अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज मैं आपको अपने दो फेवरेट स्टूडेंट से मिलाने वाला हूँ। आप इंस्पायर हो जाओगे, उनकी जो डेडिकेशन है, उनकी हार्डवर्क को देख के, उनका रिजल्ट देख के आप इंस्पायर हो जाओगे। गाइस, आज आपको मिलवाता हूँ अपने दो फेवरेट स्टूडेंट से। एक तो है हमारा आरिफ भाई और सुहेल, जो कि मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। आज इनसे हम बात करेंगे कि कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया और कैसे इन्होंने इतनी अच्छी फिजिक पाई है, क्या कुछ करना पड़ा इनको इस चीज को पाने के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आरिफ भाई से, जो कि कटिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। इन्होंने काफी टाइम से कटिंग को फोकस कर रहे हैं अपनी। इनको इन्होंने बल्क छोड़ दिया इसलिए क्योंकि इनको ज्यादा कटिंग चाहिए। तो आज इनसे बात करके जानते हैं कि कैसे इन्होंने इतनी अच्छी फिजिक बनाई है और इसके पीछे जो डाइट है, एक्सरसाइज है, क्या है, सब कुछ हमारे साथ आरिफ भाई शेयर करेंगे। सो आरिफ भाई, सबसे पहले वेलकम है आपका हमारे चैनल फिट कश्मीर में। अरे भाई, आप हमें बताएं, लोग जानना चाहते हैं कि जैसे कि आपकी एज और सुहेल की एज तो ऑलमोस्ट सेम है, 22 के हो आप दोनों। तो उनका जो गोल है वो है बल्क और आपका गोल है कटिंग, ठीक है। तो आप कैलोरी डेफिसिट में रहते हो, वो कैलोरी सरप्लस में रहते हैं। तो आप लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपने इतनी अच्छी फिजिक बनाई है और इसके पीछे आपने क्या कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता है और आपने कितना हार्ड वर्क किया, कितने टाइम से आप इस बॉडी बिल्डिंग में हो, इस फील्ड में हो, और किस चीज ने आपको इंस्पायर किया ये बॉडी बिल्डिंग में आने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कम हियर। सो अगर शाहिद भाई देखा जाए तो सब बल्क पे मतलब ज्यादा फोकस कर रहे हैं आज। तो मैंने पहले बल्क पे ज्यादा फोकस किया, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा पहले कटिंग पे थोड़ा ध्यान दूं, तो फिर देखते हैं आगे। तो अभी मैं कटिंग पे। सो कटिंग, जैसे इतनी अच्छी कटिंग लाने के लिए एक इंसान को क्या खाना चाहिए, मतलब आपकी डाइट बताइए, आप कितना टाइम आप वर्कआउट करते हो। शाहिद भाई, आपको पता ही है बल्क के लिए तो ज्यादा खाना पड़ता है। बिल्कुल, वो तो है, मतलब प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स वो तो खाने पड़ते हैं। लेकिन मैं थोड़ा कैलोरीज आज कम लेता हूँ और प्रोटीन ज्यादा लेता हूँ। प्रोटीन आप ज्यादा लेते हैं, तो कटिंग के लिए प्रोटीन ज्यादा जरूरी है फैट से ज्यादा। तो एक्सरसाइज की अगर बात करें तो आप कितना टाइम एक्सरसाइज करते हो, दिन में आप कितनी बार एक्सरसाइज करते हो, कितना टाइम? मैं एक ही बार कर लेता हूँ दिन में, तकरीबन पौना घंटा। पौना घंटा? हाँ, पौना घंटा। एक हर दिन आप पौना घंटा एक्सरसाइज मारते हो? जी जी जी। सो गाइस, ये हैं आरिफ भाई जो हमें बता रहे हैं कि पौना घंटा ये एक्सरसाइज करते हैं और ज्यादा ये कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं लेते हैं, प्रोटीन पे ज्यादा फोकस है इनका और कटिंग पे। इनकी आप बॉडी देख सकते हैं, इनकी शेप आप देख सकते हैं। सो आरिफ भाई, आप हमें बताइए कि बॉडी बिल्डिंग में आने से पहले, जैसे आप पहले अपनी फिजिक को ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे, वहां से यहाँ तक का जो सफर है, कितनी चेंजेस आपको लग रही हैं? आप बॉडी बिल्डिंग से पहले आपकी जो लाइफ है कैसी चल रही थी और आज कितने चेंजेस आपको लग रहे हैं? शायद भाई, पहले मैं बचपन से मतलब फिजिकल एक्टिविटी में मुब्तला रहा हूँ। बिल्कुल, मैं बचपन से थोड़ा बहुत मतलब एक्सरसाइज कर लेता था, जिम मैं ज्यादा नहीं जाता था, कभी 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 कभार महीने में एक दो बार बस। और फिर मुझे शौक आया, मैं 11th स्टैंडर्ड में था उस टाइम, तो फिर मुझे शौक आया कि मैं जिम ज्वाइन करूं, तो फिर मैंने की और फिर मुझे शौक हुआ। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, स्मोकिंग मैं नहीं करता, मुझे लगता है इंसान को इन चीजों से दूर रहना चाहिए, खासकर आज के जमाने में। सो आरिफ भाई, जैसे आपके सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपके जो दोस्त हैं, आपके दोस्त रहे होंगे या आज भी हैं, तो आपसे वो किस हद तक मोटिवेट हैं इस चीज से? बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरी, मतलब एक का नाम हिलाल है, वो मेरे साथ ही मतलब होता है दिन में, तो वो भी मतलब उसका थोड़ा बल्क ही है। बिल्कुल, वो अब मोटिवेट हुआ है, वो भी ज्वाइन, उसने भी ऑलरेडी ज्वाइन किया जिम, तो वो अब मतलब मोटिवेशन ही कहूँ। तो आरिफ भाई, आप मुझे ये चीज बताइए कि बॉडी बिल्डिंग ऐसा तो नहीं है ना कि हर कोई, किसी का अपना अपना गोल होता है, जैसे कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना चाहता है, कोई ओलंपिया खेलना चाहता है, या कोई कितने सारे कॉम्पिटिशन हैं उनकी तैयारी में लगे जाते हैं, तो ऐसा आपका कोई मकसद है बॉडी बिल्डिंग में, जैसे कोई कंपटीशन खेलना या? अभी मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी मैं सिर्फ कटिंग पे अभी ध्यान दे रहा हूँ, फिर आगे देख लूंगा। इंशाल्लाह आप आगे बढ़ोगे, मुझे पता है कि आप काफी सारे हार्डवर्क करते हो, हार्डवर्किंग में से हो। तो आरिफ भाई, मुझे एक चीज बताइए आप, कि आप किस से इंस्पायर होके इस फील्ड में आए हो?
शायद भाई आपको शायद पता ही होगा कि खिरम में ऑलरेडी सुबील हैं, सुबील ताहिर जो आज चंडीगढ़ में है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है अच्छा उसको देख के आपने बॉडी बिल्डिंग की लाइन चुनी। चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फील्ड आपने चुनी है, क्योंकि आजकल अगर हम देखें काफी सारे जो यूथ हैं तो वो ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो चुके हैं, जैसे सिगरेटिंग। अगर पिछली बार जब रिकॉर्ड देखा गया तो 80% जो कश्मीर का यूथ है वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो चुका है। तो इसे अच्छा है कि अगर आप अपनी हेल्थ को सीरियस ले, ऐसा नहीं कि आप जिम में एक्सरसाइज करें, आप कहीं पे भी अपना वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे आप फील्ड में काम करें या कोई ऑफिस में काम करता है तो वहां पे भी वो अपना वर्कआउट कर सकता है। अपनी हेल्थ को सीरियस लेना बहुत जरूरी है इंसान के लिए। सो थैंक यू आर्य भाई, आपने हमारे साथ अपनी जो जर्नी है वो शेयर करी। तो अब हम पूछते हैं सोहेल भाई से, सोहेल भाई हमारे साथ हैं जो हमें बताएंगे कि इन्होंने कहां से। तो सोहेल भाई की एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने तीन महीना इन्होंने जिम किया और 3 महीने के बाद इन्होंने अपना एक नया जिम इंस्टॉल किया है। तो सबसे पहले सोहेल भाई थैंक यू, आप यहाँ पे आए हमारे साथ अपना टाइम शेयर किया। तो सोहेल भाई आप हमें बताइए कहाँ से आपने स्टार्ट किया बॉडी बिल्डिंग, आपने कहाँ से स्टार्ट किया, किस चीज से आप इंस्पायर हुए, किसने आपको इस चीज की सजेशन दी, या मतलब आपने किसको देख के ये स्टेप उठाया? पहले तो मैं शायद सब अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे आज मतलब यहाँ तक पहुँचाया। फिर मेरे घर वालों का साथ मुझे पड़ा। बिल्कुल। फिर ऐसा फिर मैंने सोचा कि मैंने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। बिल्कुल, मतलब मैं जो ये नशीली चीज होते हैं इनसे मैं हमेशा दूर रहा। बिल्कुल, अच्छी बात है। फिर घर वालों का मुझे पूरा साथ रहा। बिल्कुल, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। बिल्कुल। फिर मैं पहले यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर यहाँ पे एक जिम था। बिल्कुल, वहीं पे जाता था। फिर लगभग 1 महीने तक मैं वहाँ पे जाता था। फिर मैंने सोचा मतलब वहाँ पे बहुत दूर होता था, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता था। फिर मैंने सोचा कि मुझे अपना जिम खोलना चाहिए। फिर मैंने घर वालों से मशवरा किया, उन्होंने बोला चलो ठीक है अगर तू यही चाहता है। चलो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये स्टेप उठाया, क्योंकि आप जो अगर हम लोकेलिटी देखें या बहुत सारे जैसे यूथ हैं आजकल, अगर इस चीज़ की तरफ आ जाएंगे और जिम करेंगे या आपसे थोड़ा इंस्पायर होके वो भी वर्कआउट स्टार्ट करेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो सोहेल भाई आप हमें बताइए कि आपकी बॉडी के पीछे आपने इतनी अच्छी फिजिक बनाई है। इससे पहले अगर मैंने आपको देख चुका हूँ, मैं आपको 4-5 महीने पहले, उस टाइम आपकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खराब ही बोल सकते हैं उसको। तो आपने किस तरह से इतना कुछ गेन किया आप हमें बताइए, आपकी डाइट, आप क्या खाते हो, सबको सब लोग जानना चाहते हैं कि जो भी लड़का जिम आता है तो उसका मकसद यही होता है कि मैं जिम के बाद 1 महीने या 2 महीने बाद मैं जब टी शर्ट पहनूंगा तो मैं बहुत ही अच्छा दिखना चाहिए, है ना। मतलब हर किसी का यही फोकस, मुझे पता है ना, मैं देख चुका हूँ काफी सारे लोगों को। तो काफी सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं कि ताकि हम स्मार्ट दिखे, तो आपका क्या गोल है वो आप हमें बताइए। ऐसा मतलब किसी लड़की को होता है गोल मतलब कि वो कटर बनाए। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा जो है ना कटर पे आता है, मेरा जो है मुझे शौक है बल्क बनाने। बल्क, बिल्कुल बिल्कुल। और वो आपने बनाया भी? बल्क मैंने बनाया। तो इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी और आपने काफी कम टाइम में ये बनाया, मुझे ये भी पता है कि आपकी मैंने इससे पहले भी एक वीडियो डाली थी, आप वो यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो उसकी उस टाइम जो इनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही मतलब इससे एज कम्पेयर टू दिस वो बहुत कम थी। तो आज तो माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी फिजिक है। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी जो डाइट है वो क्या है, आप क्या खाते हो और कितना टाइम आप वर्कआउट करते हो, दिन में कितनी बार आप वर्कआउट करते हो, कोई एक्सटर्नल सोर्स जैसे आज प्रोटीन होता है कोई एक्सटर्नल सोर्स आप लेते हो या मतलब मास गेनर होता है, ऐसा कुछ आपने यूज किया है वो आप हमारे साथ शेयर करें। हाँ शायद साहब, पहले मैं बोलता हूँ जब मैं एक्सरसाइज से पहले मैं 2 केले खाता हूँ। बिल्कुल। हाँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करता हूँ लगभग 1-1.5 घंटा। बिल्कुल। फिर उसके बाद लगभग आधे घंटे के बाद प्रोटीन शेक लेता हूँ। बिल्कुल। उसमें और 3 अंडे मिलाता हूँ, 3 अंडे खाता हूँ उसके साथ, और उसके साथ ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ है वो खाता हूँ। बिल्कुल। तो मतलब आप ज्यादा आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं जिस हिसाब से आपने बताया, तो आप ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं। तो घरवालों को जो आपके घरवाले हैं वो इस फील्ड में आपको कितना सपोर्ट दे रहे हैं, मतलब उनको आपको देख के उनको क्या कुछ फील होता है, जैसे कि हमारा बच्चा पहले जैसे घरवा हर किसी की माँ बाप की एम होती है कि उसका बच्चा एक मतलब स्मार्ट हो,
फिजिकली फिट हो। तो सबसे पहले जब मैंने आपको देखा उस टाइम मुझे नहीं लगता कि आपको देखे कोई मार्ट वेट हो सकता था, लेकिन आज तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने कम टाइम में आपने इतनी अच्छी फिजिक बनाई, तो घर वालों का क्या कहना है इस बारे में? सर घर वालों का मतलब पूरा साथ है, पूरा सपोर्ट है। तो आप बहुत बहुत ज्यादा खुशकिस्मत बंदे हो कि आपको घर वालों का सपोर्ट मिला, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जिनको इस फील्ड में, खासकर जबकि अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में फिटनेस का बहुत कम क्रेज है, बहुत ज्यादा कम क्रेज है। क्योंकि जब मैं आपको पर्सनली अपनी बात बताऊं, मैं जब जिम जाता था तो लोगों को अजीब लगता था कि कहां जा रहे हैं, क्या कर क्या रहे हैं। उनकी मेरे पेरेंट्स को भी आके कॉल करते थे कि तुम्हारे बच्चे को आज हमने वहां पे देख लिया, यहां पे देख लिया, क्या कर रहे हैं वहां पे। मेरे को ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर जाना पड़ता था जिम के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तो काफी अवेयरनेस हो गई है, लोग काफी मैच्योर हो चुके हैं, मतलब इस फील्ड को लेके, जैसे हेल्थ को लेके काफी सीरियस हो गए हैं लोग, क्योंकि आजकल पैसा लोगों के पास बहुत आ गया है। आज पैसों के चक्कर में हमने जो सेहत है, जो अपनी फिजिक है, वो हमने खो दिए हैं। तो आज काफी सारे लोग अपनी फिटनेस पे फोकस कर रहे हैं इस वजह से, क्योंकि पैसा बहुत आ गया है। आप लोगों को पैसा नहीं चाहिए, आप लोगों को चाहिए फिटनेस, फिट लाइफ, हेल्दी लाइफ। सो अगर हम देखें, आज हर 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद आपको कश्मीर में जिम मिलेगा, और बहुत सारे लड़के मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लड़के इस फील्ड को लेके सीरियस हैं, वो अपनी फिजिक को लेके सीरियस हैं, और बाकी लोगों को भी इनवाइट करते हैं, इंस्पायर करते हैं बाकी लोगों को इस फील्ड में आने के लिए। सो आरिफ भाई और सोहेल भाई, आपका थैंक यू, आपने अपने टाइम हमारे साथ दिया और अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें। हम चाहते हैं कि आप इस फील्ड में आगे बढ़े और लोगों को आप इस चीज के लिए इंस्पायर करें, और काफी सारे लोग आपके साथ जुड़े, उसे क्या होगा, उसे हमारी जो कश्मीर है, खासकर कश्मीर के यूथ हैं, उनको फायदा है, एक फोकस पॉजिटिविटी में रहे, पॉजिटिव में रहेंगे, और वो अपनी हेल्थ को सीरियस लेके अपनी जो हेल्थ गोल्स हैं, अपनी जो फिटनेस गोल्स हैं, उनको अचीव करें। और एक बात, मतलब जो मेरा ये मकसद है ना, वो मतलब आज की यूथ पे है, मतलब बिल्कुल जो आज की यूथ है ना, वो मतलब ड्रग्स आज बैड एक्टिविटी में मुब्तला है, मतलब ड्रग्स बहुत ज्यादा करते हैं। हमने देखा ना इंटरनेट पे, मतलब बहुत यहाँ पे बहुत सारे मैंने देखे है ड्रग्स करते हुए। मैं उनको यही बात कहना चाहता हूँ, उससे कुछ नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो इससे सेहत अच्छी रहती है, और मतलब हाँ आपकी बात सही है, क्योंकि अगर हम बात करें, अगर हम हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, पोसते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हम बड़े होके बूढ़ा, जब वो बूढ़ा, उनका जो बुढ़ापा आएगा तो उसमें हम उनका सहारा बने। लेकिन अगर हम अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारे दिमाग में ये चीज निकल चुकी है हमारे दिमाग से, हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी सेहत और अपनी जो हेल्थ है उसको हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं, और आगे जाके हम अपने माँ बाप की क्या खिदमत करेंगे। जब हम खुद ही फिट नहीं होंगे तो हम अपने माँ बाप की कैसे केयर करेंगे। तो गाइज हम रिक्वेस्ट करते हैं सबसे कि अपनी, अगर आपकी कोई बैड एक्टिविटी है तो उसको छोड़ के आप इस चीज की तरफ आए। ऐसा नहीं है कि आप जिम ही ज्वाइन करें, ये कोई हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, यहाँ कोई पर्टिकुलर थिंग नहीं है कि जहाँ पे आप फिट रहोगे। आप हेल्दी फूड खाओ, आप अच्छी डाइट बनाओ, अच्छी काम कर रहे हो तो काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, काम भी रोटी भी कमानी है, पैसा भी कमाना है, लेकिन कम से कम अपनी जो सेहत है जिसपे आपका पूरा डिपेंड है तो उसको सीरियस लेके अपनी सेहत पे काम करो, और एक अच्छी फिजिक बनाओ, और सबको इंस्पायर करो, आपके जो लोकेलिटी हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनको इंस्पायर करो कि वो इस चीज में आए, ताकि उसे हमारा जो कश्मीर है दिन ब दिन और तरक्की करे। तो थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए। अगर आप यूट्यूब पे हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकॉन को भी दबाना, उससे आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को हमारे फॉलो करें, फिट कश्मीर। थैंक यू।